ब्लू टिक तो आ गया। और ब्लू टिक कैसे मिला, अगर आपको इसको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताना, मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है स्टेप वाइज समझाऊंगा। ये रहे समोसे और शिकंजी अपने भाई लोगों के लिए, थोड़ी छोटी सी पार्टी है, छोटा सेलिब्रेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी आप कामयाबी के शिखर पे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप भी आए। मैं दीपक भाई है, दीपक ब्लॉग्स LKO के नाम से बहुत फेमस है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जग गई हूँ और मुझसे पहले भी प्रांजल जग गया है, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बनाती हूँ। तो चलिए आप सब लोगों को चाय पिलाते हैं। देखिए ये भाई साहब लगे हैं एडिटिंग करने, सुबह सुबह जल्दी जग गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिम की छुट्टी करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डैडी कहाँ गए, बड़े घर में मीटिंग करने? ओ तेरी की। चाय बन गई है और इधर रख दिया है मैंने दूध उबलने के लिए। तो चलिए पहले सुबह सुबह चाय का आनंद लिया जाए। देखिए गाइज, आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहे। ये सारी चीजें मैंने तैयार करके रख ली हैं, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पोहे। आलू हो गए और क्या क्या डाल डाल के बना रहे पोहा? प्याज, टमाटर। हाय हाय, तो आप में से किन लोगों को ऐसा आलू प्याज टमाटर मूंगफली डाल के पोहे पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में भाई साहब जरूर बताना। हाँ जी, ऐसी गर्मी किसी को लगती है? एसी चल रहा है और ये देखो पसीने, पता ही नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होती है। कैसे बने पोहे? बढ़िया। चलो बढ़िया, नाश्ते में तो हम भी पोहे खाएंगे भैया। तो डैडी ने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया भाई साहब, मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करके मतलब ब्रेकफास्ट पलट के ले आया हूँ। पोहे और ये रखी मेरी आलू भुजिया। मैं देख रहा हूँ इस टाइम पर शार्क टैंक, आपको दिखा नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। लेकिन क्या, टीवी देखते हुए कॉन्टेंट देखते हुए खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। अन्ना जी क्या प्लान है? अन्ना जी क्या प्लान है? जमीन पे बैठ के दोनों, हम दोनों इतने अच्छे सोफे यहाँ पे, लेकिन बैठे जमीन पे हैं, बहुत सही। खिचड़ी खाएंगे, उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाएंगे। मैंने इस चीज के लिए अप्लाई किया था, वो हो गया है, तो चलिए अब आपको वो दिखाएंगे खिचड़ी खाने के बाद में। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो हो गई। लेकिन उससे पहले भाई साहब घर की बनी हुई खिचड़ी, और खिचड़ी में अगर घी ना हो तो मज़ा नहीं आता। ओके, मैं डाइट पे हूँ, मुझे पता है आप लोग कहोगे भाई डाइट पे और घी के साथ खा रहे हो, लेकिन यार कुछ खाने तो उसके संग ही अच्छे लगते हैं। अब चाय को बिना दूध के बना दो तो ब्लैक टी किसको अच्छी लगती है? वैसे बिना ये घी की खिचड़ी शरीर में सुरसुरी सी दौड़ गई। खिचड़ी खाते हैं, उसके बाद आपको बड़ा सरप्राइज दिखाते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं जिम। आज सुबह से जिम नहीं गए हम। तो एज अ क्रिएटर, एज अ व्लॉगर, एज अ यूट्यूब पे आप जब एक पर्सनालिटी आते हो, तो आपको बड़ा सपना होता है कि यूट्यूब पे हो तो आपको सिल्वर गोल्डन डायमंड प्ले बटन मिल जाए। लेकिन आप बाकी किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे हो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आपका फेसबुक हो गया, या फिर आपका ट्विटर हो गया, तो आपको ब्लू टिक मिल जाए। तो गाइज आज वो दिन फाइनली आ चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके भाई को जो है वो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल गया है। नहीं आता यकीन, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं फूड ब्लॉगर हूँ, और ये रहा गाइज मेरा जो ब्लू टिक है,
वो आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे नाम के आगे। ये कल मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे कंग्रेचुलेट भी किया था, ये देखो ये उनकी स्टोरीज लग रही हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर करने के लिए। देखिए मेरी जो स्टोरीज़ हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने लगाई थी मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम ये वाला फ़ीचर हम लोगों के लिए इनेबल करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए ये जो ब्लू टिक है ना ये प्राइसलेस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा ज़्यादा प्राइसलेस है ये। तो ब्लू टिक तो आ गया, ब्लू टिक कैसे मिला अगर आपको इसको जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताना, मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है स्टेप वाइज समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक और अकाउंट पे ब्लू टिक ले पाऊं अगर आप चाहते हो तो उसके लिए। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अब बिना देरी करते हो चलिए भाई साहब जिम चलते, खाना खा लिया, रेस्ट हो गया, सब हो गया, और इस टाइम पे जैसे कि आप देख रहे हो घड़ी में बज रहे हैं 5:05, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना जिम करने। तो ये है मेरा हाइड्रेशन पाउडर जिसे मैं ड्यूरिंग वर्कआउट कंज्यूम करता हूँ, ये मैं लाया था अन्ना कहाँ से लाया था, मुझे डीकैथलॉन से ना, ये डीकैथलॉन से आया था, इसमें कुछ 50% वगैरह डिस्काउंट था और ये कुछ 150-200 रुपये का ही मिल गया था। तो ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो ये अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा है, और बेसिक जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स यानी और विटामिन और जो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए वो इसमें सब मिल जाते हैं। भाई लोग वर्कआउट हुआ ख़त्म, जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमने करा लिए समोसे पैक, क्योंकि आज अपने सारे दोस्त भाई बंधु लोग आने वाले हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन होगा तो समोसे खाएंगे हम सब लोग मिलके। मेरा भी देरी करते हुए चलिए पहले घर चलते हैं, शार लेते हैं फिर दोस्तों से मिलने चलेंगे, आउटिंग करेंगे। ये देखो मैं जिम से आया हूँ और समोसे खाए जा रहे हैं। है मम्मी ये क्या बात हो रही है, आप आ जाओ भैया, मैं ही लेके आया हूँ, जनता को मत बनाओ कुछ भी, जनता ने देखा है मैंने समोसे खरीदे हैं। तो हम नहा धो लिए, ये रहे समोसे और शिकंजी अपने भाई लोगों के लिए, थोड़ी छोटी सी पार्टी है, छोटा सेलिब्रेशन है भाई साहब, ब्लू टिक वेरिफिकेशन हुआ है तो पार्टी तो होनी चाहिए। तो चलिए इसे लेके चलते हैं और आपको अपने सारे ग्रुप मेंबर, सारे दोस्त, सारे भाई बंधुओं से मिलवाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं 10 नंबर पे, चलिए आपको अपने सारे क्रिएटर भाइयों से मिलाते हैं जो यहाँ पे इस टाइम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे दीपक भाई आए हुए हैं, कैसे दीपक भैया? भैया आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी आप कामयाबी के शिखर पे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप भी आए। मैं दीपक भाई हैं, दीपक ब्लॉग्स LKO के नाम से बहुत फेमस है लखनऊ में, मतलब बड़े ही फेमस चर्चित ब्लॉगर हैं। और यहाँ पे लखनऊ एक इससे हमारे सचिन भैया हैं, कैसे सचिन भैया? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे प्रदीप भैया, इन्होंने अभी भी रिसेंटली 100K का मार्क जो है वो क्रॉस किया, कंग्रेचुलेशंस भैया। भैया पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं, भैया हलवाई भी हैं ऐसा सुना है हमने। ये हैं हमारे अनमोल भाई, आप 200K बहुत जल्दी पार करने वाले हैं सर, बहुत बहुत मुबारक एडवांस में। वाइब्स भाई, वाइब है भाई, कैसे हैं भाई? आशु द ह्यूमन भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये जितने भी हैं ये, और ये लखनऊ दर्शन, दीपक मौर्य यूपी दर्शन, लखनऊ दर्शन, सुल्तानपुर दर्शन, और कोई दर्शन बाकी है? फूड दर्शन भी है भाई। लखनऊ में अगर आपको किसी भी चीज़ के दर्शन करने हो इनके पेज पे आप चले जाइए। जी जी, इंडिया के सबसे बड़े पेजेस में से एक। तो बेसिकली ये जो है ये लखनऊ की धड़कने हैं, सही है भैया? एक नंबर सर, सही है समोसा और शिकंजी कॉम्बिनेशन सर? सर भाई मस्त, अच्छा भैया एक नंबर भैया, बढ़िया भाई, इसीलिए पहचान नहीं है। सही आशु भाई। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा हमने क्या मस्त सेलिब्रेट किया अपने सारे भाई बंधुओं के साथ, बहुत मज़ा आया। ब्लू टिक मिलना अपने आप में एक बोलते हैं ना कि इतनी खुशी मिल गई। आई होप कि आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है और आपको ब्लॉग को देख के आया मज़ा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, प्रांजल शौदेव ब्लॉग फैमिली का हिस्सा बन जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक मज़ा ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।